हेलो डियर स्टूडेंट्स, आगलनो बेटा प्रश्न छे आपणो समान चुंबकीय क्षेत्र में मुकेली चुंबकीय सोई पर लागता टॉर्कनु सूत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ज्यारे पण कोई चुंबकीय सोई मुकवामां आपे आवे बराबर, तो तेनुं कोणावर्तन थाय। गोल फरे एटले आपणी लैंग्वेज में कहीए तो तेना पर वर्तुलाकार बल लागू पड़े बराबर, चाक गतीय बल जेने कहेवाय, जेने आपणे टॉर्क कहीए छीए। तो ए टॉर्कनुं सूत्र शुं होई शके बराबर, जेनी आपणे चर्चा आ थियरीमां करवानी छे। तो सौ प्रथम तो आकृतिमां बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक सोय राखेल छे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में शू राखेली छे, एक सोय राखेल छे। चुंबकीय सोयनी लंबाई एटले एस थी एन तरफ नी लंबाई 2L छे बराबर। हवे आपणे टॉर्कनुं सूत्र शोधवुं छे, तो टॉर्क बराबर शुं थाय, तो बळ गुण्या अंतर। एटले बे वस्तु शोधवानी थाय, एक बळ अने बीजुं अंतर, एटले वन बाय वन आपणे शोधीए। पहेला तो बळ, तो जो आ सेम वस्तु आपणे चेप्टर नंबर एकनी अंदर जे विद्युत डायपोलनी वात करता था, एमां बे ध्रुव हता, बे विद्युत भार लीधा था, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जेनी दिशा तमे याद करो माइनस क्यू होती, माइनस क्यू थी प्लस क्यू तरफनी एनी दिशा थी बराबर, विद्युत डायपोलनी। आ चुंबकीय डायपोल छे तो एस थी एन तरफनी एनी दिशा होय, तो आमां पण बे बळ लागे, एक एस उपर लागे अने बीजुं एन पर लागे बराबर। तो एस ध्रुव पर लागतुं बळ इज इक्वल टू अने एन ध्रुव पर लागतुं बळ बराबर। हवे बळनुं सूत्र आपणे जाणीए छे, विद्युत बळनुं सूत्र एफ बराबर शुं हतुं, क्यू ई जेटलुं हतुं बराबर। एफ इज इक्वल टू केटलुं हतुं आपणी जोडे, क्यू ई। चलो तो एस पर बेटा जेटलुं बळ लागे छे ने आपणे एफ एस कहीए, माइनस अने एन माटे केवुं आवशे प्लस बराबर। क्यू ई, क्यू नी जग्या अहींया क्यू एम लेवुं पड़े, पोल स्ट्रेंथ बराबर, अहींया शुं आवशे क्यू एम ज आवशे बराबर। अने अहींया ई हतुं, ई नी जग्या अहींया बी आवशे, एफ बराबर क्यू इंटू ई हतुं, तो अहींया आ चेप्टरमां मेग्नेटिकमां एफ बराबर क्यू इंटू बी थाय, એકમાં માઇનસ અને બીજામાં પ્લસ, મૂલ્ય તો બંનેમાં સરખું જ રહેવાનું છે। તો બળ મળી ગયું, હવે બાકી રહ્યું અંતર। તો અંતર માટે આપણે ત્રિકોણ લઈએ છીએ, જો એસ ડી એન, તો ત્રિકોણ એસ ડી એનમાં આ તો 90 છે અને અહીંયા થીટા બને છે, જો આ અક્ષ છે એનો આની સાથેનો એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથેનો ખૂણો થીટા છે। તો હું જો સાઇન થીટા લઉં तो साइन बराबर शू थाय, सामेनी एटले के एन डी अने कर्ण एटले एस एल। केम आ साइन ज लीधुं, कारण के तमने ख्याल छे के आपणे ज्यारे वात करीए छे अंतरनी त्यारे लंब अंतर होय छे, अहींया सॉरी अहींया ज्यारे आपणे अंतर लईए छे टॉर्कमां ते केवुं अंतर होय, लंब अंतर, एटले आ ज लेवुं पड़े बराबर। चलो एन डी बराबर एस एन इंटू साइन थीटा, અને એસએન ની કિંમત તો ઓલરેડી આપણે પહેલેથી જ 2L જેટલી લીધેલી છે બરાબર, એટલે એસએન બરાબર કેટલા થશે, 2L સાઇન થેટા બરાબર। ચાલો આ સૂત્રની અંદર મૂકીએ બંનેની કિંમત, બળ પણ મળી ગયું છે અને અંતર પણ છે આપણી જોડે, હવે તો ટોર્ક ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, પહેલાં તો બળ, જો બળ માટે બંને માટે પ્લસ જ લેવાનું થાય, ક્યુ એમ બી બરાબર ને, અને
અહીંયા છે આપણી જોડે 2L sin થેટા. હવે ચુંબકીય ચાપ માત્રાનું સૂત્ર આપણે આગળની થિયરીમાં જ ભણ્યા. આનું ગ્રુપ બનાવી દઉં QM ઇન્ટુ 2L, એ શું બની જાય? એમ બની જાય ચુંબકીય ચાક માત્રા, બરાબર. તો અહીંયા આ એમ અને ક્રોસ બી લખી શકાય જો સદિશના સ્વરૂપમાં આપણે લખવું હોય તો. જે વિદ્યુત શાસ્ત્રના સૂત્ર યાદ કરો, તો પી ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ક્રોસ ઈ જેવું છે. પી છે તો અહીંયા એમ છે, ઈ છે તો અહીં બી છે, બરાબર. વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં આપણે આવું સૂત્ર હતું, તો ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર આ પ્રકારનું તમે સૂત્ર મેળવી શકો, બરાબર. ચલો, એવી જ રીતે બેટા બીજું આપણી પાસે એક સૂત્ર આપણે તારવવાનું છે આવર્તકાળનું. તો સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં રાખેલ ચુંબકીય સોય પર લાગતા ટોર્કનું સમીકરણ લખી અને તેનું આવર્તકાળનું સમીકરણ આવું છે ઉમેરો. તો આ ટોર્કનું સમીકરણ તો એઝ ઇટ ઇઝ લઈ લેવાનું છે. તો અહીંયા હું લખી દઉં છું, આકૃતિ ઉપરની થિયરી મુજબ આકૃતિ આપણે બેટા સેમ રાખીશું, આકૃતિમાં કોઈ ચેન્જીસ હશે નહીં. આની આકૃતિ અહીંયા આવશે કારણ કે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે ચુંબકીય સોય પર લાગતું ટોર્ક એનું સૂત્ર લખીને એવું કહે છે, એટલે ટોર્ક ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? તો સૌથી પહેલેથી પાછું સ્ટાર્ટ કરીએ, પહેલાં સદિશ સ્વરૂપ લખીએ પછી મૂલ્ય લખીએ, બરાબર. તો એમ બી સાઇન થેટા, પરંતુ અહીંયા હું અહીંયા માઇનસ લખું છું, એનું રીઝન છે, બરાબર. અહીંયા આપણે હું નેગેટિવ સાઇન લખું છું, એનું રીઝન છે કે આ ટોર્ક છે ને એને રિસ્ટોરિંગ ટોર્ક કહેવાય, પુનઃસ્થાપક ટોર્ક કહેવાય. કેમ પુનઃસ્થાપક? કારણ કે મેગ્નેટિક નીડલ એટલે કે જ્યારે ચુંબકીય સોય આમ જ્યારે ગતિ કરી હશે એટલે ફરીથી પાછું પોતાની પોઝિશન પર આવવાની ટ્રાય કરશે, બરાબર. આપણે સ્પ્રિંગ જેવું, સ્પ્રિંગને ખેંચીએ એટલે કેમ પોતાની પોઝિશન પર આવવાની ટ્રાય કરે, એ જ રીતે તો આ પણ પોતાની પોઝિશન પર આવવાની ટ્રાય કરે છે એટલે એને પુનઃસ્થાપક ટોર્ક કહેવાય. તો અહીં ઋણ નિશાની એ પુનઃસ્થાપક ટોર્ક માટે લીધેલ છે. કોના માટે લીધેલ છે? પુનઃસ્થાપક ટોર્ક માટે લીધેલ છે, બરાબર. ઓકે, હવે વિચારો કે આ થેટા ખૂબ સૂક્ષ્મ છે, જે આપણે આગળની આકૃતિની અંદર જોયું છે. આ થેટા સૂક્ષ્મ હોય તો અહીં થેટા ખૂબ જ નાનો હોવાથી, ઘણીવાર તમને ખ્યાલ છે આપણે ત્રિકોણમિતિ વિધેયમાંથી સાઇનને અવગણી નાખ્યું છે, એટલે માઇનસ એમ બી થેટા થાય. આને સમીકરણ નંબર 1 આપો, બરાબર. આવી જ રીતે એક બીજું આપણે સૂત્ર, ટોર્કનું સૂત્ર આપણે ભણેલા 11 સાયન્સમાં ચેપ્ટર નંબર 7 ચાક ગતિમાં. ટોર્કનું એક સૂત્ર હતું, ટોર્ક ટાવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ આલ્ફા. એ કોના જેવું છે? તો બળનું એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ એ જેવું. અહીંયા દળ હોય તો અહીંયા ચુંબકીય ચાક માત્રા હોય, બરાબર. સોરી, અહીંયા ચાક માત્રા હોય, અહીંયા પ્રવેગ હોય, રેખીય પ્રવેગ, તો આ કોણીય પ્રવેગ, બરાબર. તો એની જગ્યાએ આપણે આ રીતે લખી શકીએ, આઈ ડી સ્ક્વેર થીટા અપોન ડીટી સ્ક્વેર. કોણીય સ્થાનાંતરનું બે વાર વિકલન કરો એટલે શું મળે તમને? કોણીય પ્રવેગ મળતો, બરાબર. ચાલો, તો આ જે સૂત્ર છે એને આપણું જે સૂત્ર છે એની સાથે આપણે સરખાવવું છે,
तो आने समीकरण नंबर बी कही। तो समीकरण एक अने बेने सरखावता तो आई डी स्क्वेर थीटा डी टी स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा बराबर। चलो पहला तो डी स्क्वेर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेर हूँ अहियाँथी आई ने कैंसल करूँ तो आई नीचे जाए तो एम बी बाय आई थाय इंटू थीटा। चलो आ टर्म ने आ साइड लावो बराबर तो डी स्क्वेर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेर प्लस एम बी बाय आई इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो। जे क्या सूत्र जेवू छे आवो एक सूत्र आपणे भणी चूकेला छे डी स्क्वेर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेर प्लस ओमेगा स्क्वेर एक्स इज इक्वल टू जीरो जेवू छे। तो आने आनी साथे सरखावीए तो अहीं एक्स छे तो अहीं थीटा छे तो अहीं ओमेगा स्क्वेर छे तो एनी जगह आ छे तो ओमेगा स्क्वेर नी बेटा किंमत शू थाय तो एम बी बाय आई थाय तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ शू थाय तो एम बी बाय आई थाय। आपणे आवर्त काळ जोईए छे तो टू पाई बाय टी करो तो एम बी बाय शू मळे आई मळे। आपणे टी जोईए छे तो टू पाई अने अंडर रूटनी अंदर आई डिवाइड बाय शू थाय एम बी जे मागेल आवर्त काळनो सूत्र छे बराबर। हवे आगळनो प्रश्न छे समान चुंबकीय क्षेत्र में गजिया चुंबकनी स्थिति ऊर्जानुं समीकरण मेळवी अने खास किस्साओ जे होय एना एनी चर्चा करो। तो एक समान पहला तो चुंबकीय क्षेत्र बी एनी अंदर आपणे कोई एक गजियो चुंबक मूकीए छीए आ साउथ पोल आ नॉर्थ पोल बराबर। तो आ गजिया चुंबक छे मां स्थिति ऊर्जानुं एनुं समीकरण मेळवी अने खास किस्साओ छे एनी अंदरनी आपणे शुं करवानी छे चर्चा करवानी छे बराबर। कार्य डब्ल्यू बराबर सूत्र तो अपनी पास बल गुण्या स्थानांतर बराबर। कार्य की जगह अँ आप स्थिति ऊर्जा है यू वड़े दर्शाई बल छे तो अँ टॉर्क वड़े दर्शाई अने स्थानांतर ने डी थीटा वड़े दर्शाई बराबर। हवे अँ डी थीटा एटले सूक्ष्म स्थानांतर कारण के ज्यारे पर चुंबकीय सोय का तो चुंबक छे ए नानो एवो खूणो पहेला बनावशे अने पछी एनुं स्थानांतर कोणीय स्थानांतर डायरेक्ट आ रीते ना थई जाय थोड़ीवार नानो खूणो बनतो होय नानाथी धीमे धीमे मोटो थतो जाय ए प्रमाणे एने टोटल खूणो बनी शके बराबर। एटले डी थीटा जेवुं सूक्ष्म आपणे स्थानांतर लईए कोणीय स्थानांतर एमां टोर्कनी किंमत तमे जाणो छो एम बी साइन थीटा हवे प्रूव करवानी जरूर नथी। हवे डी थीटा सापेक्ष एनुं संकलन करी नाखीए तो तमने शू मळी जाय तो ऊर्जा मळी जाय। चलो आमांथी एम बी शू छे अचल अचल ने बेटा कॉमन काढ़ीए अहीं थई गयो अपनी जोड़े साइन थीटा अने डी थीटा तो यू इज इक्वल टू एम बी ने आ थई गयो माइनस कॉस थीटा ख्याल आवे छे। तो स्थिति ऊर्जानुं सूत्र आवशे माइनस एम बी कॉस थीटा। एक तो आ सूत्र डायरेक्ट याद रखवानुं थाय हवे खास किस्साओ बराबर जेने आपणे त्रण भागनी अंदर डिवाइड करी दईए
पहलू छे थेटा इज इक्वल टू जीरो। चलो थेटा इज इक्वल टू जीरो मूको तो कोस जीरो वन थाय तो जवाब मळे माइनस एम बी। एटले केवू माइनस मूल्य एटले केवू लघुत्तम मूल्य मळे। आ दरमियान तमने मूल्य केवू मळशे लघुत्तम मूल्य मळशे अने ए अस्थायी अवस्थामां हशे अस्थायी संतुलन अवस्थामां हशे। खास याद राखजो एमसीक्यू में पूछाई शके बराबर। चलो एज रीते थेटा इज इक्वल टू शू थशे अपनी जोड़े 180। चलो 180 लो तो माइनस माइनस शू थी जाए प्लस एट प्लस एम बी मळे। तो ये दरमियान एनी महत्तम स्थिति ऊर्जा हशे के नहीं अने पोते केवी स्थिति में हशे स्थायी स्थिति में हशे। केवी स्थिति में हशे स्थायी स्थिति में हशे बराबर। सॉरी थीटा इज इक्वल टू जीरो ज्यारे तमने आपेला छे त्यारे महत्तम स्थायी स्थिति आपेली छे। थोड़ू सुधारी नाखजो अने आ अस्थायी स्थिति में आवशे। शुं आवशे अस्थायी स्थिति एटले जीरो छे त्यारे स्थायी स्थिति अने 180 छे त्यारे महत्तम अस्थायी स्थिति। अने थीटा 90 लो त्यारे तमे जाणो छो कोस 90 नी किंमत शून्य थाय एटले यू इज इक्वल टू केटला थई जाय जीरो थई जाय बराबर। तो आवा त्रण किस्साओ पण एनी जोड़े आपणे करी शकीए बराबर। बे मार्क्सनी अंदर आखो प्रश्न पण पूछाय अथवा आनी अंदरथी त्रण प्रकारना एमसीक्यू अलग अलग रीते पूछी शके के भाई महत्तम स्थायी स्थितिनी अंदर लघुत्तम अथवा स्थायी स्थितिनी अंदर खूणो केटलो होय अस्थायी स्थितिनी अंदर खूणो केटलो होय ए प्रकारे पूछी शके बराबर। चलो आगळनो प्रश्न छे कम्पेरिजन करवानी छे। जो कि आ प्रश्ननो बधाने ख्याल हवे आवी जवो जोईए बराबर के विद्युत अने चुंबकत्व एनी साम्यता में तो क्षेत्र की बाबत में जुए तो आने आप ई कही आम बी कहवा ध्रुवनी प्रबलता तो आम विद्युत भार कहता था आना पोल स्ट्रेंथ कहवा क्यू एम बराबर। ध्रुवनी प्रबलता पोल स्ट्रेंथ एट क्यू एम वड़े दर्शावाय। डायपोल मोमेंट तू याद करो त्यां पी हतु बराबर। अहीं आपणी जोड़े एम छे अचलांक छे तो अचलांक के इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्साइलॉन जीरो हतु बराबर। तो अहीं म्यू जीरो डिवाइड बाय फोर पाई आवी जाए आपणी जोड़े ख्याल आवे छे। फोर पाई तो त्यां ज रहे म्यू जीरो डिवाइड बाय फोर पाई थी जाए। डायपोल नी लंबाई त्यां क्यू टू ए लेता था तो अहीं टू एल जेटली लंबाई छे। डायपोल नी दिशा तो ऋण विद्युत भार थी धन विद्युत भार नी बराबर ने। ऋण विद्युत भार थी धन विद्युत भार ऋण थी धन नी हती तो आमा दिशा एस थी एन नी होय साउथ टू नॉर्थ नी क्लियर। तो आटलू कम्पेरिजन तमे याद राखवानुं छे। एवं ने एवं बीजू कम्पेरिजन एक टेबल तमने आगळ आपेलू छे बराबर। ए टेबल नी अंदर विद्युत क्षेत्रनी अंदर केवा केवा प्रकारना विद्युत क्षेत्र में जे बल लागतु होय बराबर तो एने चुंबकीय क्षेत्र में बल ने एज रीते लखवू होय मारे केवी रीते लखी शकाय तो आवी आवी भौतिक राशिओ छे बधी बदली नाखवानी। जेम के ज्यां क्यू आवतु होय तो क्यू एम करी देवानुं। ज्यां ई आवतु होय त्यां बी करी देवानुं। ज्यां पी आवतु होय त्यां एम करी देवानुं। एम जुदू जुदू बदली नाखो एटले विद्युत क्षेत्रमांथी डायरेक्ट तमे जंप क्यां करो चुंबकत्वमां चुंबकीय क्षेत्रनी अंदर आ चेप्टरनी अंदर बराबर। तो आगळनुं टेबल छे ए तमारे जाते स्टडी करवानुं छे अने जाते लखवानुं छे। ओके थैंक यू वेरी मच।